We will study leaf of Bohemia variegata. Commonly इसको हम कचनार भी बोलते हैं. अब अगर इसको हमने लीफ को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये है कचनार का एक ब्रांच है जो हमने इसके ट्री से तोड़ के लाए हैं. अब ये इसका लीफ है, राइट? तो इसकी जो टाइप ऑफ लीफ अगर हम देखेंगे तो ये आता है सिंपल लीफ में. सो टाइप ऑफ लीफ इज सिंपल लीफ. तो इसका अगर हम अरेंजमेंट देखें कि ये ब्रांच के ऊपर कैसे अरेंज है, सो वी कैन सी हियर, ये एक लीफ अराइज हो रहा है, फिर ये दूसरा, फिर इधर. तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं फिलोटैक्सी, के पत्ते जो हैं वो ब्रांच के ऊपर कैसे अरेंज हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज फिलोटैक्सी. तो इसमें जो फिलोटैक्सी है दैट इज ऑल्टरनेट, राइट? सो दिस इज ऑल्टरनेट. और अगर हम लीफ को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हम इसका बेस देखेंगे. तो ये इसका बेसल पार्ट है. तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्वोलन है, थोड़ा सा फूला हुआ है. तो इसको हम कहते हैं पुलविनेट. जब थोड़ा सा फूला हुआ हो तो हम बोलते हैं पुलविनेट. अब इस पत्ते में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्टॉक है जो इसके जिसके साथ ये ब्रांच में अटैच्ड है, तो हम इसको बोलते हैं पीटियोल. तो अगर लीफ में पीटियोल है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे पीटियोलेट. सो दिस इज पीटियोलेट. अब बेस पे कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं है यहाँ पर, जिनको हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं. तो स्टिप्यूल्स इसमें नहीं है, सो इट इज़ लैकिंग स्टिप्यूल. सो हम बोलेंगे एक्सटिपुलेट. और अब अगर हम इसका वेन्स का पैटर्न देखें तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है. ये इसकी मिडरिब्स हैं, बहुत सारी मिडरिब्स जा रही हैं. तो इसलिए इसको हम मल्टी कॉस्टेड भी बोलते हैं, सिंगल मिडरिब नहीं है, बहुत सारी हैं. और इसका नेटवर्क वेन का बना हुआ है. मैं थोड़ा उल्टा करके भी आपको दिखाती हूँ इसका लीफ. देख सकते हैं ये नेटवर्क बना हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड एज वेनेशन इज रेटिकुलेट. रेटिकुलेट मीन दिस इज नेटवर्क ऑफ द वेन एंड दिस इज मल्टी कॉस्टेड. मीन बहुत सारी मिडरिब है, सो दिस इज मल्टी कॉस्टेड. अब हम इसका शेप देखेंगे. देखो इसका शेप जो है, दिस इज ऑबकॉर्डेट. जैसे हार्ट की शेप का उल्टा है तो हम बोलेंगे ऑबकॉर्डेट. अब अगर हम इसका मार्जिन देखें, ये जैसे लीफ है इसका हम ये मार्जिन देखें, तो कोई बिल्कुल स्मूथ है तो हम बोलते हैं एंटायर मार्जिन. सो दिस इज एंटायर. तो अगर हम इसका ये टिप देखेंगे, ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक नॉच बनी हुई है. आई शो यू प्रॉपरली. ये इसकी नॉच बनी हुई है. तो ये पूरी नॉच की वजह से जो इसका एपेक्स है हम इसको बोलते हैं ई मार्जिनेट, या हम इसको कह सकते हैं राउंडेड बट विथ डीप नॉच. व्हाट इज ई मार्जिनेट? राउंडेड बट विथ डीप नॉच. सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द लीफ ऑफ बोहेमिया वेरिएगेटा. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.